पता है तीन गुण ये वाले इसके अंदर नम्रता जी आपका हम ले लेंगे, ठीक है। इसमें जिन जिन ने हैंड रेज कर रखे थे उनका हैंड रेज रखें, जिनका हमने ले लिया था उनको ड्रॉप कर लेंगे। अब जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर भी तीन या चार हम केस स्टडी करेंगे और उस केस स्टडी के अंदर हम जो रह गए थे उनका ले लेंगे। नम्रता जी आपका भी है उसको ले लेंगे, राइट। तो देर आर तीन गुण, सबको पता सतव रजस एंड तमस, सबको पता तीन दोष वात पित्त कफ, ये बात भी सबको पता। इसको हम कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर देते हैं, ये टेबलर फॉर्म के अंदर है, बट टेबलर फॉर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे हम अपनी जर्नी में, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सत्व को हमने पित्त से कनेक्ट किया जो नॉर्मली होता ही है, रजस को हमने वात से कनेक्ट किया और तमस को हमने कफ से कनेक्ट किया। हमने इसको कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर दिया, हमने इसको तीन कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर दिया। हमने बोला सत्व को पित्त से कनेक्ट करते हुए धर्म, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको पता होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष तीन चार चार ट्राइन होते हैं, राइट, चार ट्राइन होते हैं। यहाँ पे हम तीन ही लेंगे, तो ट्राइन के नंबर भी वाले नहीं है, ट्राइन के नंबर भी डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना। तो सत्व को कैटेगराइज धर्म से किया और पित्त उसका दोष है, रजस को कैटेगराइज हमने अर्थ से किया अर्थ और वात उसका दोष है, तमस को कैटेगराइज हमने डिजायर से किया और कफ उसका दोष है। इसका मतलब क्या हुआ कैटेगरी इसका, धर्म मतलब आइडियलिस्टिक, ऐसा चीज जो आइडियलिस्टिक हो, प्रिंसिपल बेस्ड हो, राइट, वही धर्म होता है, प्रिंसिपल बेस्ड। हाँ ना बोलते रहना, इफ यू आर नॉट एग्री टू मी प्लीज टेल मी, राइट, यस सर। आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल और इन अदर वे मेंटल लेवल। तो धर्म सतव को करेक्ट पिच से किया और उसका हमने लेवल निकाला मेंटल लेवल और उसको हमने आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल प्लेन से कनेक्ट किया। अगली बात आती है रजस की, रजस को हमने क्रिएट किया था अर्थ से, बात उसका दोष था और रजस मतलब मेटलिस्टिक फॉर्म, जीवन की सुख सुविधाएं, रजस जीवन की सुख सुविधाएं, राजसिक जीवन, फिजिकल नीड्स, फिजिकल मतलब मेटलिस्टिक नीड्स, आर्टिकल्स गुड्स लग्जरी शान शौकत राजसिक सुख। तो रजस का मतलब अर्थ, अर्थ को भी वेल्थ से ही देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, वेल्थ वाला ट्राइन अर्थ को जाता है, माया बहुत बढ़िया, माया बहुत बढ़िया। तमस, तमस डिजायर्स, डिजायर कैन बी अ लस्ट, डिजायर कैन बी अ मैनिफेस्टेशन एंड डिजायर कैन बी अ सॉल्वेशन ऑल्सो, इट्स अ डिजायर, राइट। सो एनीथिंग विच कनेक्ट्स फॉर मैनिफेस्टेशन मोक्ष और लस्ट इज कनेक्टिंग टू तमस डिजायर, और उसका कफ जो है उसका दोष है, कफ जो है उसका दोष है, ठीक है। ये जो है लोअर लेवल है, इधर जब लस्ट की बात आएगी तो इट गोज टू द लोअर लेवल, और जब सालवेशन की बात आएगी तो वो जाएगा शून्य में। सबको पता ये बात समझ आती है, बात सालवेशन गोज टू शून्य नलीफाइड, राइट। अब बात आती है कि नंबर्स क्या होंगे, तो हमने यहां बोला यहां पे कोई डेट ऑफ बर्थ का टोटलिंग वोटलिंग नहीं करते हम, सिंपल प्लेन डेट ऑफ बर्थ होते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से कॉपी पेन ले रहा हूं एंड आई एम टेकिंग दी फ्यू डेट ऑफ बर्थ, नम्रता जी का लेंगे सबसे पहले, नम्रता जी आपका डेट बोले, गिव योर डेट ऑफ बर्थ सर। 6/2/1966, चलिए नम्रता जी सबसे पहले आपकी वैल्यूएशन करते हैं इस पे, हम जो हमने एक्टिविटी बोली आपको, आपने बोला 6/2/1966, सो इसके अनुसार 1966 1 9 4 6 8 6 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9 4 6 8 9
प्राइमरी फैक्टर पे जो सत्व रजस और तमस आता है उसमें आपका रजस बहुत हैवी है, और इससे आप ये रिलेट कर सकते हो कि आपके जीवन में रजस का बहुत महत्व है और यू आर रजस बॉर्न पीपल, और आपके जीवन में मेटलिस्टिक चीजें आपको जीवन में पर्याप्त मात्रा में सिस्टम अपने आप क्रिएट करके आपको दिखा रहा है. इज दैट राइट? फॉलोड बाई प्रिंसिपल, फॉलोड बाई प्रिंसिपल एंड द लास्ट लेवल गोज टू द लेवल जीरो. Is that right or wrong? Dr. Ji, कहाँ हैं? Where are you? मैं कुछ मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती जो, क्योंकि पता नहीं आपके हिसाब से मायने नहीं रखती, लेकिन आपको जीवन में मिली है बाय डिफॉल्ट ना? मिल गई है. हाँ, मिल गई है. तो आपको अपने डिजाइन में मिल रही है. आप मायने रखोगे नहीं रखोगे वो एक सेपरेट बात आती है, लेकिन आपको जीवन में मिल रही है चीजें. मिल जाती है. ठीक है, आसानी से नहीं तो मिल जाती है, लेकिन मिल जाती है. मेटलिस्टिक चीज आपको मिल जाती है क्योंकि उसका प्लेन पूरा नहीं पता, बट अपने आप पे जो डिजाइन आता है वो देता है. प्राइमरी फैक्टर पे ही चीजें मिल जाती है, सेकंड कंट्रोल फैक्टर सपोर्ट फैक्टर पे तो जा ही नहीं रही है. हाँ, ठीक. और दूसरी बात ये आती है कि आप प्रिंसिपल इंसान हो, आप कंट्रोल और सपोर्ट से प्रिंसिपल ही हो. प्राइमरी फैक्टर नहीं दे रहा, लेकिन कंट्रोलर और सपोर्टर जो इसके नंबर्स में आते हैं वो प्रिंसिपल आपका आपको रखता है, प्रिंसिपल में रखता है चीजें आपको. और जब आप प्रिंसिपल में रहते हो, जब आप प्रिंसिपल में रहते हो तो चीजें आपके लिए ईज आउट हो जाती है और चलनी शुरू हो जाती है. अब मैनिफेस्टेशन की बात आती है, तो मैनिफेस्टेशन पे प्राइमरी फैक्टर आपका काम कर रहा है लेकिन कंट्रोलर और सपोर्टर काम नहीं कर रहा, तो इसलिए प्राइमरी फैक्टर के माध्यम से आप मैनिफेस्टेशन या मोक्ष के डिजायर के परस्पेक्टिव से आपको थोड़ी सी विघन आती है. प्राइमरी आपको पुश, आपकी लालसा रहती है कि आगे बढ़े. You are always found to be moving ahead, but supporter or controller available नहीं है जो आपको ये push नहीं दे पाते आगे बढ़ने का. You always want to move towards salvation kind of activities, but अटक जाते हैं उसमें. True sir. सिर्फ data बस से किया जाता है. कहाँ से किया? तीन factor से. और आपके जीवन में बात प्रोमिनेंट जगह रखता है, बात प्रोमिनेंट रहता है. आप जो है बात, मतलब यू आर एन एयर एलिमेंट, आप बातचीत में निपुण हो, बातचीत अच्छी, बातचीत बढ़िया करते हो, काफी कर लेते हो. जहां जैसे जो तो आप अपनी बात को करने कराने में सामर्थ्य हो, एंड यू आर ए पर्सन दैट इन्फ्लुएंस पीपल. अच्छा पता नहीं था मुझे. नहीं, ये सही है, गलत है ये बता दो बस, पता नहीं तो कोई बात. हाँ, ठीक है. बस इतना सही था फैक्टर. तो ये काम हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, छोटा सा कार्य करता है. और ये न्यूमरोलॉजी के अंदर, अभी तक की न्यूमरोलॉजी में, आई एम वेरी श्योर, आई एम नॉट, कितने लोगों को पता होगा कि कनेक्टिंग दीज फैक्टर्स विद सत्व रजस तमस तीन दोष वात पित्त कफ और कैटेगराइजेशन ध्रम और डिजायर की कैटेगरी में डिवाइड करके अब ग्रिड बना के न्यूमरोलॉजी का 3x3 का ग्रिड बनता है. और 3x3 के ग्रिड से ये वैल्यूज को डाल के कुछ नहीं करना, जमा घटा, सिर्फ वैल्यूज डालो, गेट द आंसर. अच्छा, कुछ नहीं कर. चलिए, ये डेट ऑफ बर्थ से निकला है सिर्फ डेट ऑफ बर्थ किया तो कुछ किया नहीं अभी हमने, बाकी सारी कहानी तो करेंगे क्लास में. ठीक है अब्दुल जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलो. पिक 3 अक्टूबर. तीन अक्टूबर का मतलब 3-10 1966. ठीक है अतुल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर वेरी वेरी प्रिंसिपल्ड इंसान, बड़ी आइडियलिस्टिक हो, और इसके वजह से आपको जीवन में अर्थ यानी कि रजस, जीवन में रजस और का सुख भोगने में कमी आती है. और जो इंसान प्रिंसिपल्स का बहुत ज्यादा स्ट्रांग पक्का होता है, बिजनेस को चला पाने में तकलीफ पे रहता है आज के युग के अनुसार, और उसको रजस में दिक्कत आती है. रजस मतलब मेटलिस्टिक फॉर्म की चीजों को प्राप्त करने में,
तकलीफ आती है, और इंट्यूशन लेवल सॉरी डिजायर लेवल बहुत वीक है। आप डिजायर आपके जीवन में रहती है बट प्राप्त करने में कामयाबी नहीं मिल पाती। सिर्फ नंबर डालो और गेट द सक्सेस। इज दैट राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट सर। और आप पित्त प्रधान आदमी हो, यस और नो? राइट सर। ये नंबर से मिला, चलो दो या तो ही। हाँ, तो एक क्वेश्चन है सर, तो हाँ। ये न्यूमरोलॉजी से तो इसमें कुछ चेंजेस मतलब कुछ करते हैं हम नेम में या कैसे? नहीं, नाम में तो फिर उसमें उसमें चेंजेस आ सकता है क्या हमारा लाइफ में? चेंज बिल्कुल आते हैं, बहुत बढ़िया चेंज आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज शायद मैंने बताना भूल गया, आचार्य एक वर्ड होता है, आचार्य, ठीक है, जो पहले वाला मैं किया टेम्परामेंट वाला, आचार्य का अंदर आचार्य जो है वर्ड अपने आप में वो क्या वर्ड को संबोधित करता है? माइंड, मेंटल एक्टिविटीज और साथ में इंट्यूशन रखती है, इंट्यूशन रखती है, मतलब पूजा जी ये बात बता रहे हैं, दिमाग की क्षमता और इंट्यूशन की क्षमता आचार्य का, आचार्य के अंदर, राइट। और आचार्य इज एक्चुअली अगर आप डिवाइन सिस्टम से देखो, आचार्य इज नॉट मेंट टू कनेक्ट विद दी, नॉट मेंट टू बी गो टुवर्ड्स दी फिजिकल फॉर्म ऑफ दी मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ज्यादा उसका कंटिन्यू नहीं है। आचार्य की डेफिनेशन के अंदर पी जीरो आता है, प्राइमरी मेंटल आता है, सेकेंडरी इंट्यूशन आता है, थर्ड इमोशन आता है, और इसी से एक आचार्य को कनेक्ट होना चाहिए। दिमाग का काम इंट्यूशन को बिल्ड करे और लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों की हेल्प करे, इमोशनल को मेंटेन करे, दैट इज कम्स अंडर आचार्य, आचार्य की वैल्यू करा। हमारा अपना गुरुजी ज्ञान के अंदर भी सेम वैल्यूज आती है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप उसमें कराएंगे सर? यस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम करेंगे सर। तो उसमें भी उसमें भी उसमें उसमें भी नंबर चेंज करने से या नंबर तो इसमें कुछ कंपैटिबिलिटी नंबर लेने से हमें हमारे अनुसार अगर हम कंपैटिबिलिटी, मैंने अगर फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स में रहते न्यूमरोलॉजी के, फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट, जब मैंने परसेंटेज बताई थी वो फाइव बिल्डिंग ब्लॉक्स से कनेक्ट करने वाली चीज आ जाए तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। अच्छा, तो आप जो इस पे कोर्स में लेने वाले हैं जो जो भी मतलब टॉपिक्स और वैदिक में आपने जो बताया वो आप इसमें नहीं लेने वाले हैं, तो मतलब उसमें दोनों में डिफरेंस मतलब क्या रहता है इसमें? वैदिक का वैदिक हमारा जो वैदिक सिस्टम है दैट इज प्योर बेस्ड ऑन अवर वैदिक जो हमारे सिद्धांत है उसको बेस्ड है, उसमें उसकी ग्रिड अलग है, उसकी कैलकुलेशन के फॉर्मूले अलग है। व्हाइल सेइंग दिस इट डज नॉट मीन कि जो चैरिटी एंड लोशिप ग्रिड है वो काम नहीं करती, दे आल्सो वर्क वेरी ब्यूटीफुली। बट एक अब जैसे आप एस्ट्रोलॉजी करते हो तो इतनी सारी तरह की एस्ट्रोलॉजी क्यों करते हो, काम तो सारी करती है। हीलिंग करते हो तो इतनी सारी तरह की हीलिंग क्यों करते हो, काम तो सारी करती है। एज एन ऑक्टल साइन मास्टर वी सपोज टू नो द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द एक्टिविटीज, तो वैदिक उसका एक बहुत अच्छा तरीका है उसका। और इसमें सॉफ्टवेयर भी आता है क्या न्यूमरोलॉजी में, वो वर्क करता है या न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर काम करता है? न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर वी विल रिकमेंड यू, एंड जैसे हम अपने सारे पार्टिसिपेंट के लिए अरेंज भी करते हैं तो वी विल ट्राई एंड गेट द रिजल्ट फॉर दैट। थैंक यू। कमिंग टू दैट नेक्स्ट, रीमा मल्होत्रा जी, क्विक, वेरी क्विक, रीमा मल्होत्रा जी। 2nd अगस्त सर। अरे पूरा बोला मैडम, 2nd अगस्त नहीं, 1977। 77 आपने बोला, 2 8 1 9 7 7। मैडम आपका जो इम्पोर्टेंट है, एक आपका कंट्रोल पैनल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यू आर अ वेरी कंट्रोल पर्सनैलिटी, एक बात। दूसरी बात, योर डिजायर प्लेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, विच डिजायर के अंदर जो डिजायर की मैंने परिभाषा दी थी उसको आप रिलेट कर लो, तो यू हैव दैट डिजायर की
दिस थिंग, तो आप उसके अंदर अपनी मैनिफेस्टेशन बड़ी स्ट्रांग है आपकी, यू हैव अ स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन विल, राइट। अगर आप प्रैक्टिस करो, यू हैव अ स्ट्रांग पावर वेयर यू कैन मूव टुवर्ड्स इंटरनल ज्ञान, जिसको सॉल्वेशन या मोक्ष की तरफ कहते हैं, दैट यू कैन बिल्ड योर इंट्यूशन। यस, हाउ इज दैट टुडे? अभी अगर मैं आज के संपर्क में बात करूं, कैसी है वो, और कैसा आपका कंट्रोल पैनल है, और कैसा आपका डिजायर पैनल है? एवरीथिंग व्हाट यू सेड इज करेक्ट सर, मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूं। और कंट्रोल पैनल कैसा है आपका? कंट्रोल पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, प्राइमरी नहीं है आपकी इतनी स्ट्रांग, बट कंट्रोल इज वेरी स्ट्रांग। और क्या स्ट्रांग नहीं है सर, सुनाई नहीं पड़ा। प्राइमरी फैक्टर आपके स्ट्रांग नहीं है, विच मींस उसका ये मतलब होता है कि मेटलिस्टिक फॉर्म को जनरेट करने में आपका इंट्रा स्ट्रांग विल काम नहीं कर पाता, राजस आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, अर्थ आपका बहुत स्ट्रांग काम नहीं करता यहाँ पे, बट कंट्रोल है, बट कंट्रोल है आपकी पर्सपेक्टिव से। यस ट्रू। ठीक, धर्म धर्म और आइडियलिस्टिक फॉर्म को या सतर्क को आपका कंट्रोल फैक्टर सपोर्ट फैक्टर पुश देता है, डिसिप्लिन मतलब इस यू कैन फील लाइक प्राइमरी फैक्टर मिस है वहां पे, प्राइमरी फैक्टर के मिस होने की वजह से एक कंट्रोल जीवन चलता है, कंट्रोल स्पोर्ट्स चलता है। जो मैंने अगर अतुल जी को जो बोला था प्राइम इस फैक्टर पे, ही इज वेरी आइडियलिस्टिक एंड प्रिंसिपल पर्सन, हाउएवर यू आर ए कंट्रोल पर्सन। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंट्रोल्ड? इट्स ओके, मतलब आप चलो अगर मैं आसान तरीके से इस बात को बोलूं कि एक होता है बिल्कुल लकीर की फकीर की तरह चलना है, जैसे मुझे जैसे बहुत ज्यादा विकेंड उसी लोग या प्रिंसिपल लोग होते हैं कि नहीं ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही है, दैट्स इट। एंड जो कंट्रोल आदमी होगा वो कहेगा ठीक है यार, प्लस माइनस करके जो ठीक बनता बना के आगे बढ़ता है। एज एंड व्हेन बी अ रोमन इन रोम, एज एंड व्हेन, यस राइट। ये आपको सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देती है, राइट सर। तो इंटरनल ये इंट्यूशन डेवलप करने के लिए मतलब किस ढंग का कोर्सेज या करने चाहिए? अब मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि आपकी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे इंट्यूशन की स्पोर्ट के लिए राहु की पावर मिसिंग है, राहु की पावर मिसिंग है, जिसका मतलब ये हुआ ये रेमेडियल पार्ट में आएगा हमारे कि कौन सी पावर हमारे पास आ रही है, उसमें क्या मिसिंग वैल्यू है, उसमें राहु की पावर मिसिंग है आपके पास। जब हम डिजायर को देखते हैं, डिजायर मैनिफेस्टेशन और मोक्ष या लेवल लोअर लेवल को पे भी जाती है डिजायर, तो उसको तीन चीजें कंट्रोल करती है, तीन एलिमेंट कंट्रोल करते हैं, दैट इज चंद्रमा दो नंबर, आठ नंबर, चार नंबर। दो नंबर प्राइमरी फैक्टर आता है, आठ नंबर कंट्रोलर फैक्टर आता है, चार नंबर उसका सपोर्ट फैक्टर आता है। तो आपके पास प्राइमरी है दैट इज चंद्रमा, कंट्रोलर है आपके पास दैट इज शनि, सपोर्ट फैक्टर राहु बनता है चार नंबर से, वो आपका यहाँ पे मिसिंग है। आपके पास अगर वो तीनों नंबर होते, यू आर वेरी स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन पर्सन और ए इंट्यूटिव पर्सन, वेरी स्ट्रांग। तो उसको आपको यहाँ जनरेट करने की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, विच मीन्स कि आपको कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी पड़ेगी जिससे कि आपका राहु यहाँ पे इस फैक्टर के लिए एक्टिवेट हो। राहु अपने आप में बहुत बड़ा इल्यूजन है अपने आप में, तो उसके लिए आपको राहु की एक्टिविटी, जैसे अगर आपने एस्ट्रोलॉजी करी है राइट, यस, तो आपको राहु के उपाय पता है राइट, यस सर, दुर्गा, यू स्टार्ट डूइंग दैट, बाकी रेमेडीज हम करेंगे भी क्लास में, बट यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट एंड इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन इन योर लाइफ। बिल्कुल सर, इसमें दुर्गा की का पार्ट आएगा ना? कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारे हैं। ओके, राहु के लिए एक लास्ट आशा करते हैं, लास्ट करते हैं आज का। तुलिका जी ने बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ, चेतन जी का पूरा नाम नहीं है यहाँ पे, तुलिका शाह पूरा नाम आ रहा है, नवदीप सिंह। हाँ सर, मेरा ये नाम है पूरा एज पर वोटर वोटर कार्ड। फटाफट बता दे अपना डेट ऑफ बर्थ। 2303 1989
23 मार्च 1989 आपने बोला 23 मार्च 1989 करेक्ट हाँ 1989 सुधीका जी आप बहुत ज्यादा एडलिस्टिक पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल वाली इंसान है आपको मतलब अटूट हाँ सर प्रिंसिपल तो है मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ और बहुत आपके अंदर पिच फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है पिच फैक्टर आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल पे होता है तो उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है तो आपका पिच फैक्टर हाँ सर हाँ सर आता है मुझे गुस्सा ज्यादा और दिमाग उस समय पे वैसे आप दिमाग का अच्छा कार्य कर लेते हो अच्छा दिमाग इस्तेमाल करते हो लेकिन दिमाग उस समय पे फ्रस्ट्रेटिव होता है जब गुस्सा आता है जब पिच फैक्टर काम करता है यस सर और ये आपके पास सबसे बड़ा एरिया है बाकी एरिया बाकी जो तमस का और रजस का एरिया ठीक आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर रहा हाउ एवर डिजायर तमस का एरिया आपका स्ट्रॉन्ग काम करता है तमस के एरिया के ऊपर आपको आपकी लेवल ऑफ डिजायर मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग है रजस के एरिया में अर्थ के एरिया में जब मेटलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें आती है फिजिकल नीड्स की चीजें आती है फिजिकल प्राप्तियों की चीजें आती है वहां पे आपका डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग काम नहीं करता लेकिन yes, समझ में आपका ठीक काम करता तो मेटलिस्टिक फॉर्म के अंदर आपको प्राप्तियों के अंदर दिक्कतें आती हैं यस सर 100% सर ये एक क्विक एनालिसिस बाय योर डेटा नवदीप जी इसमें ये आपके साथ मैच करता है तो लिखा जी जितनी बातें करी हमने हाँ सर मैच करता है सर आप नवदीप जी का कर लीजिए मुझे थोड़ा क्वेश्चन करना है आपको आप कर लीजिए उनका नवदीप जी आप डेट ऑफ बर्थ बोले क्विक सही 10/3/3 मंथ बोलो सर 3 तारीख को हुई नहीं 10/3 10 तारीख तीसरा महीना हाँ जी 1969 चल आप हीलिंग एक्टिविटी में हो तो आप अपना डेवलपमेंट कर पाते हो अपने प्रयास से लेकिन डिजायर प्लेन बहुत वीक है मैनिफेस्टेशन सॉल्वेशन एरिया बहुत वीक है वहां पे कोई भी अंक नहीं आ रहा सही बात है गलत बात है सही ये एरिया ऑफ कंसर्न बनता है क्या स्ट्रॉन्ग आता है आपका भी डिसिप्लिन फॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग आता है डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियलिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सतर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग यू आर ए सतर्क पर्सनैलिटी पित्त आपका दोष बन जाता है उसमें राइट और रजस आपका ठीक ठाक है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बहुत ज्यादा काम रजस नहीं कर रहा फिजिकल मेटलिस्टिक फॉर्म के अंदर जो प्राप्तियां हैं ठीक ठाक है इट्स ओके है हाई अचीवमेंट्स नहीं What is wrong and what is right? Okay. क्या गलत जो हमने बात करी उनमें क्या गलत और क्या सही है? नहीं जी सब कुछ सही है सर। ये data बर्थ का quick analysis है। एक last चेतन्य जी, अरविंद मित्तल जी ने भी कई देर से हाथ खड़ा किया हुआ है। चलिए एक दो ले लेते हैं बस ये। Blessed मीरा जी का तो नाम clear नहीं आ रहा। Blessed मीरा जी का नाम। चलिए। सर चेतन्य तो मेरा नाम विजया शर्मा है और वो बच्चे के नाम से आईडी बनी है बस वही चल रहा है मैडम 15 जनवरी 1973 मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ 15 जनवरी 1973 हाँ
विजय जी, आपका आपके केस के अंदर जो मिसिंग एरिया, तमस इज अ मिसिंग एरिया, तमस के मिसिंग होने से आप जुनजुन का मैं तमस मिसिंग बोल रहा हूँ ना, उन्होंने वो लोग अपने आप को इस चीज से भी रिलेट कर सकते हैं। देखो एक पीरियड ऑफ टाइम पे, इस बात को हम सारे मेच्योर बैठे हैं यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम पे वी विल गेट इनटू द स्टेज ऑफ द मैनिफेस्टिंग थिंग्स गोइंग टूवर्ड्स द जर्नी ऑफ द मोक्ष या सल्वेशन की तरफ हम ऑकल साइंस के थ्रू प्रोसीड करते हैं। हाउएवर व्हाइल सेइंग दिस, डिजायर का एरिया ये तमस का एरिया है, व्हाइल सेइंग दिस इन द यंगर लाइफ रिलेट टू दैट एरिया राइट, उसके अंदर भी कमी आती है, वहां पर उसमें भी हमें कमी आती है, द वे आवर मैनिफेस्टेशन लुक लाइक वो प्राप्तियां नहीं मिल पाती। तो व्हाइल आई एम सेइंग दिस, इट तमस के एरिया में आपका जो एरिया है वो वीक एरिया है, तमस इज वेरी वीक, जीरो आया है। अच्छा, सो आप इसको रिलेट करें तमस को, फिर बताएं, और आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया आता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया आपका आता है सतव का, सतव इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया। व्हाइल सेइंग दिस तमस इज योर वीकेस्ट एरिया, यहाँ पे आपको कफ की समस्या, कफ हाँ, जो आपका हाँ, आता है। हाँ, सही है सर, ठीक है, कफ की समस्या आपके साथ रहती है। और हाँ, इज दैट जो मैंने बोला डिजायर की दो डेफिनेशन दी मैंने आपको, एक बिफोर यू नो एक यंगर एज और एक जब हम अभी में हैं, तो दोनों में डिजायर हाँ, की मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इज दैट बीन रिलेटिव टू यू और नॉट? हाँ, सही बोल रहे हैं आप। तो ये डेफिनेशन हमारे को न्यूमरोलॉजी क्विक देती है, एकदम क्विक देती है ये टेबल। अब न्यूमरोलॉजी को रजस तमस सतव से दोषों से और हमारे जो कैटेगराइजेशन से लिंकिंग प्लेन से लिंकिंग, आई थिंक अब तक आपने शायद नहीं किया होगा। नहीं सर, यानी तमस को बढ़ाना चाहिए ऐसा कुछ है क्या? तमस पे आपको कार्य करना चाहिए ताकि आप इसके ऊपर आप अपने जो तमस का एरिया जो जीरो डाउन है उसको बिल्ड कर सकते, उसे कार्य करना चाहिए। कैसे कैसे करेंगे सर? तमस को तीन प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा, प्राइमरी शनि या राहु। ये तीनों की एक्टिविटीज को मिश्रण आप अगर करेंगे जहां पे जो प्लैनेट का अपना कारक है, मेन कारक ये पकड़ लो आप, पहला कारक चंद्रमा, पानी, इमोशन, मेमोरी, तो यहाँ मेमोरी को पकड़ो, ठीक है, इमोशंस को पकड़ो। दूसरा शनि, शनि का कारक फोकस, डेडिकेशन। तीसरा राहु, राहु इल्यूजन, ठीक, एक उसपे एक पावर भी है अंदर चढ़ाई की। अब इस स्टेज पे आके इंसान को स्टेज के साथ करते हैं कंटेंट, ठीक है। एक स्टेज होती है जब 25-30 साल की जिंदगी होती है वो ही छोड़ देते हैं, आज की जिंदगी बात करते हैं, जहाँ पे हमारी एज अगर 40-50 साल की जिंदगी तो उस वाली बात करते हैं। तो आपको आपको अपनी अपने माइंड के ऊपर, चंद्रमा माइंड भी है, माइंड के ऊपर आपको कार्य करना है, अपने फोकस डेडिकेशन साथ राहु एक समाधि के रूप में आपको कार्य करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। टिकोगे नहीं तो ये आपकी डिजायर मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट नहीं आ पाएगी, टिकना पड़ेगा। ओके, तीनों की एक्टिविटी मैंने करके क्लियर करके बताइए, अगर आप ये करोगे तो आपको एक इजीली मिल जाएगी। और जो आप नहीं कर पाते, ऐसे लोग मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी समाधि या जिसको बोलते हैं मेडिटेशन एक्टिविटी करने में इनको बहुत तकलीफ होती है, जल्दी से इजी नहीं होता इनके लिए। नहीं सर, मैं बहुत जल्दी अच्छे से कर लेती हूँ मेडिटेशन। तो प्रैक्टिस बढ़ाओ इसकी, यू विल एबल टू अचीव। हाँ, प्रैक्टिस कम है अभी फिलहाल, 4-6 महीने में थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से आदिपुर मेडिटेशन कर सकती हूँ। दैट्स द स्ट्रांग वे टू बिल्ड इट, बाकी उपाय में इतना काम नहीं करेगा, ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा काम करेगी। ओके, मेडिटेशन अगर बढ़ा दूं तो yes, बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट मीरा जी, क्विक I said centered 24-10-1964. 24-10-1964. 24
10/1964 ठीक यस सर यस 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 राइट विजय जी आपका डिजायर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ 64 आपका डिजायर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है सुन लिया मैंने 64 आपका डिजायर लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है which indicates if you divide the life in the two span of the life, one is the younger age and now the today's age, you have a very strong desire, manifestation, fulfillment, achievements. And आप जो manifest करते हो वो fulfillment की तरफ चली जाती है. Life. True sir. And that gives अगर आप दोनों life जिंदगी को निकाल देख लो एक phase first जो numerology के अनुसार है first phase of life is 35 years. And the second phase of life after 35 years. So first phase of life ki jo desire requirements that also get completion very easy. And the 35 plus ki is again manifestation. And apne pe karya karna inner self ke upar wo aap easily kar sakte ho. Agar aap manifest kar rahe ho ya aap kar rahe ho nahi kar rahe ho to aapko karna chahiye. And you have a God blessing for that you can do that. Fantastic sir. Correct sir. Perfect. That's how the date works. सर मेरा राजस तमस कुछ बताइए ना अच्छा इतना आप सबको दे ना दिया मेरे को कुछ ना शॉर्ट दिया पाथ इज अ वीक एरिया ओके पाथ इज अ वीक एरिया एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते यू आर नॉट अ वेरी कम्युनिकेटिव पीपल आप बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते कम्युनिकेशन ठीक है सर परफेक्ट सर वंडरफुल सर सर कुछ उपाय कुछ मेरा इंक्रीज करने का कुछ आप कुछ उपाय देंगे क्या जिस व्यक्ति को डिवाइन ग्रेस के अंदर डिजायर मिली है यानी कि मैनिफेस्टेशन मोक्ष की एरिया मिला है उसको उससे ज्यादा क्या चाहिए उसको तो उसी के अंदर लिप्त होना चाहिए धीरे धीरे चीज अपने आप बनती जाती है इट्स वेरी इजी थैंक यू सर गॉड ब्लेस मजा आया थैंक यू एंड ये पूरी टेक्निक हम सीखेंगे अपनी जर्नी में कि हाउ वी कैन एबल टू अचीव दिस सो इजली बस जॉब ऑफ 30 सेकंड्स